सो गाइस हम सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है। एंड पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद हम सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद इस बैकग्राउंड को हम पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आ जाएंगे ऐसे टूल्स वाला ऑप्शन पे एंड पर क्रॉप सेलेक्ट कर लेंगे एंड ये वाला रिसीवर पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड बैकग्राउंड को हम क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे सिंपली ऐड फोटो ऑप्शन पे एंड हमें जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को हम सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हो मैंने फोटो को सिंपली ऐड कर ले हूँ एंड इसको मैं सही पोजीशन पे बैठा दूंगा सबसे पहले एंड उसको तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा इरेजर वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इरेजर का साइज मैं सेट कर रहा हूँ, आपको भी इस तरह से सेट करना है एंड बैकग्राउंड को सिंपली इरेज करते जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इरेज कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। सो अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने इरेज कर लिया हूँ एंड सिंपली मैंने क्लिक कर दूँ राइट पर, फिर से आपको आ जाना सिंपली ऐड फोटो ऑप्शन पे एंड यहाँ पर आपको सिंपली एक गर्ल पीएनजी एंड जो बियर पीएनजी, ठीक है, उसको आपको सिंपली ऐड कर लेना, ठीक है। तो इस गर्ल पीएनजी एंड टेडी पीएनजी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। लिंक है उस व्हाट्सएप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको सही तरीके से बैठा दूंगा, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरीके से आपको बैठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सही तरीके से बैठा लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ओके तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बैठा दिया हूँ मैंने एंड सिंपली मैं राइट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगा ऐड फोटो ऑप्शन पे एंड इस बैकग्राउंड को मैं फिर से दोबारा ऐड कर लूँगा, ठीक है। एंड इस बैकग्राउंड को मैं इस फोटो के ऊपर सही तरीके से, ठीक है, बैठा दूंगा, ठीक है, एकदम फुल साइज में। एंड उसके बाद मैं इसका ऑपोसिटी कम कर दूंगा हल्का, ठीक है। उसके बाद आ जाऊँगा सिंपली इरेजर पे एंड ऐसे मैं इन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी हम ब्रश वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड अब आपको उस नीचे की तरफ से, ठीक है, थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि लगना चाहिए ग्रास हमारे ऊपर आ चुके थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर मैं सिंपली राइट पर क्लिक कर दूंगा फिर से एंड मैं यहाँ पर फिर से आ जाऊँगा ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ पीएनजी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस ये मैंने दो पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इस रोज का जो थोड़ा सा टुकड़ा पार्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो पीएनजी, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है गाइस एंड रोटेट करने के बाद इसका साइज को सिंपली बढ़ा देना है एंड उसको आपको सिंपली ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ सही तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने सही तरीके से बैठा दिया हूँ एंड मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लूँगा, ठीक है, जिस पार्ट हमारा बॉडी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इरेजर पर क्लिक कर दिया हूँ एंड मैं कुछ इस तरह से इरेज कर लूँगा। तो यहाँ पर इरेज कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। अगर मैं फिर से डन पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा फोटो परफेक्टली एडिट हो चुका है पिक्सआर्ट ऐप में एंड हम यहाँ पर फोटो कर लेंगे सेव। तो हम इस फोटो का भी शेयर करेंगे अपने लाइट रूम ऐप में, ठीक है, क्योंकि हमें कलर करेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लाइट रूम ऐप ओपन कर लूँगा फोटो को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे सनलाइट प्रो आइकॉन पर, ठीक है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एडजस्टमेंट मैनुअल कर लूँगा, ठीक है। एंड बाकी को आगे स्टेप पता ही है आपको कैसे लाइट रूम में एडिट करते हैं फोटो को। तो आपको भी कुछ इस तरीके से आपको लाइट को एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस कलर्स वाला ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। इसका बाहर ब्रेंस आप कम भी रख सकते हो एंड हाई भी कर सकते हो, आप अपना मतलब से रख सकते हो, ठीक है। तो मैं लाइट रूम का जो एडिटिंग है इसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, तो आप लोग वीडियो को बस एंजॉय करते रहिए, ठीक है। मैं मिलते हो आप लोगों से अगली एक नए वीडियो में, ठीक है गाइस, बाय।